सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग कराते हैं और ये एकेडमी इज मेंट फॉर माइनॉरिटीज एससी एसटी एंड विमेन एंड दिस एकेडमी हैज आल्सो बीन फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. Every year we take 100 students, 70 boys and 30 girls to coach them for civil services. We have also conducted coaching for Staff Selection Commission examination. Isme junior services hain jinka competition Staff Selection Commission ke zariye. Every year about 20% of our students they get selected in various services which include IAS, IPS, Foreign Service, Indian Revenue Service, Indian Information Service, Railway Services, then state services like PCS of UP, Bihar Administrative Service, Uttarakhand Civil Service, Rajasthan Administrative Service, Karnataka Administrative Service and so on, and almost in every state. This year also the result which has been announced last week, 7 candidates from our academy, they have finally been selected in various civil services in the government of India. Recently, 4 of our students were selected in Bihar Administrative Service and 3 students were selected in UPPCS. Similarly, in the last year exam, 9 students from our academy got selected in various services. Last year, Fazlul Haseeb, who got 36th rank, he was a student of Jamia Hamdard Residential Coaching Academy. Year before last, Bilal Bhatt, who got 10th rank, he was our student. It's a continuous process. Aur students ka jo selection hota hai, wo ek All India entrance test ki basis pa hota hai. जो हम लोग अक्टूबर में कंडक्ट करते हैं, जिसमें तकरीबन 5000 एप्लीकेशंस आती हैं पूरे मुल्क से और तकरीबन काफ़ी स्टेट से ये एप्लीकेशंस आती हैं. उनका पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है. और पहले रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास 100 सीट्स हैं, तो हम तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन होकर फाइनली 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है. इस साल से हमने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के कोलैबोरेशन से इस बार 125 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि हम लोग 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करते थे, मगर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी कोलैबोरेट करने की इस प्रोजेक्ट में, तो 25 स्टूडेंट्स हमने और सेलेक्ट किए हैं जिनका पूरा खर्चा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दे रहा है. ये टोटली फ्री कोचिंग है, इसमें स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं लिया जाता और हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है. सिर्फ खाने का खर्चा स्टूडेंट्स हमारे जो सब्सिडाइज रेट्स हैं हॉस्टल के उस पर करते हैं. बाकी जितना कोचिंग मटीरियल है, बुक्स है और कोचिंग है, लेक्चर्स हैं, सेशंस हैं, हॉस्टल है, ये सब वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टूडेंट्स. देखिए, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि बाहर कोचिंग बहुत महंगी है. कोचिंग सेंटर्स की 4-4 लाख रुपए फीस है और यहाँ पे वी प्रोवाइड फ्री कोचिंग टोटली एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड. ज़्यादातर वो लोग आते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं और जिनके वालदेन भी सर्विसेज में हैं, वो भी आते हैं, जिनके वालदेन ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं, स्टेट सर्विसेज में हैं, जुडिशरी में हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में हैं, उनके बच्चे भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं. और इसमें हर किस्म के बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग आते हैं. वी हैव स्टूडेंट्स हु आर क्वालिफाइड एज इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, and some of them have passed engineering from IITs, they have done MBA from IIMs. तो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं. कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि जो बहुत ही मॉडर्स बैकग्राउंड के हैं, जो बहुत छोटे कस्बों से आते हैं, जिनके पेरेंट्स की एग्रीकल्चरल इनकम है और वो भी बहुत कम है, या जिनके पेरेंट्स जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. तो ऐसे लोगों में भी एक नया अवेकनिंग हुआ है
एजुकेशन का और सिविल सर्विसेज में आने का. हमारे पास मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी आते हैं. इस बार भी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मदरसा बैकग्राउंड के हैं. पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, हमेशा आते हैं. मैं यही अर्ज करूँगा कम्युनिटी से और यंग लोगों से ज़्यादा तादाद में मुकाबले जात इम्तहान में बैठें और ग्रेजुएशन करने के बाद अपना फोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे करें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी कई बार कोई एडवांटेज नहीं होता है. क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहें, पीएचडी करते रहें, तो फाइनली कभी कभी ये होता है कि अब पीएचडी कर लोग टीचिंग में जा सकते हैं, मगर टीचिंग में भी बहुत लिमिटेड स्कोप है. तो बेहतर ये है कि ग्रेजुएशन के बाद और ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करें. और सिविल सर्विसेज से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि न सिर्फ आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जहाँ भी पोस्ट होगा वो ज़रूर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा और लोगों को, उनसे कम्युनिटी को, आम आदमी को, मुल्क को, सोसाइटी को उससे बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा.